आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जीवन कुमार को आप देख रहे हैं, MLC हैं भाजपा के, जहानाबाद क्षेत्र से आते हैं। और जीवन से ही जिसे ही जानेंगे कि जहानाबाद के ही एक कार्यकर्ता की वहां महामंत्री थे और उनकी मौत हुई है। एक तरह से पार्टी के लिए उन्होंने शहादत दी है। दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। जीवन जी, आप ही के क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की। देखिए, नीरज कुमार से हम जवाब जानना चाहते हैं। नीरज कुमार कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं थे, तो बता दें कि कौन थे वो। हम उनसे जानना चाहते हैं कौन थे। इस तरह से आप जो है, मतलब लोकतंत्र में किसी को हत्या करने का आपको अधिकार नहीं मिला हुआ है। आप लोकतंत्र में धरना जो कोई दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मार्च कर रहा है, ये हमारे संविधान में हमारी ताकत है। अरे उसी संविधान के तहत ना नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसी संविधान के तहत ना आपके मंत्री बने हुए हैं। वो ताकत है तभी ना उनके आसपास पूरा सिक्योरिटी है। और ताकत हर जगह तक आम आदमी है, उनको ये समझना चाहिए कि आप लोकतंत्र की हत्या करके, गुंडागर्दी करके, आप जो है भय का माहौल करके, आतंक का माहौल करके आप सरकार नहीं चला सकते हैं। और सरकार जो है ये देख रही है, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरा TV चला रहा है, पूरा मीडिया में देख रहे हैं लोग कि आप किस तरह से लाठियां बरसाए हैं जिसकी हत्या हुई है। अब एक हमारी महिला जो है, हमारे कार्यकर्ता है, उस पर भी जो है वो भी मरणासन का घर पहुंच गई है। अभी पूरा अभी जो है लगातार अभी उनकी मौत की पुष्टि जैसे ही हमारे पास आती है तो हम उसके बारे में बोलेंगे। तो आप जो है जिस तरह से मतलब कि लाठी बरसा के हत्या करके जो धरना देंगे उसकी हत्या करेंगे, जो प्रदर्शन करेंगे उसकी हत्या करेंगे, तो आप जो है लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके आप ये कहिएगा कि हम सरकार चला लेंगे, तो बिहार की जनता सरकार नहीं चलने देगी। जब युवा नौकरी मांग रहे हैं आपसे, तो आप जो है लाठी बरसा रहे हैं। जब आप जो वादे कर रहे थे उस वक्त कि हम सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, आप जब वादा कर रहे थे कि जितना भी कॉलेज है सबकी स्थिति ठीक करेंगे, युवाओं को हम अधिक से अधिक 20 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख। आज जब रोजगार मांगने की बात आ रही है, नहीं दे रहे हैं आप, उस पर धरना लोग दे रहे हैं, तो लाठी बरसा रहे हैं आप, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं किया है आपने लोकतंत्र का हत्या किया है। और लोकतंत्र के हत्यारों को जो है किसी भी कीमत पर सरकार, ये जनता माफ नहीं करेगी, जान लीजिए बात को। जीवन कुमार जहानाबाद गया क्षेत्र से ही शिक्षक प्रतिनिधि के MLC हैं, और उन्होंने कहा कि नीतीश को अब बिहार की जनता जो है माफ करने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि 2025 में जब चुनाव होगा उस समय बिहार की जनता क्या रुख अख्तियार करती है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।